कार्स और कोलियाहार के बीच मैच, बहुत ही शानदार मैच। और रामसागर कॉलेज का अगर कोई खिलाड़ी हो तो मेरे पास प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, कोई भी कैप्टन या खिलाड़ी, एक आदमी केवल सिर्फ। और शानदार स्मैश, लाजवाब, शानदार शानदार। अगर गंगापुर को जीतना होगा तो इन सब कमियों को दूर करना होगा गंगापुर की टीम को। और मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसको नहीं रोक सकते तो फिर कुछ भी कहना मुश्किल हो जाएगा गंगापुर की टीम में। शानदार स्मैश, लाजवाब। अभय जी हार्ड जर्सी, लाजवाब, बहुत ही सपोर्टर। इस समय दर्शक, दर्शक हम लोगों के क्या कहा जाता है, भगवान ही होते हैं, जो कि अगर दर्शक नहीं तो कुछ भी मजा नहीं। और शानदार स्मैश, शोभा, फैंटास्टिक। लेकिन असफल रहे खिलाड़ी मिस्टर राजेश जी, बहुत ही शानदार, लाजवाब प्रयास यहाँ पे। और एक अंक प्राप्त हुआ और शानदार प्रदर्शन। और शानदार प्रयास यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या होता है। राजेश जी वहां पे चेकआउट मारने का प्रयास, लेकिन पकड़ेंगे खिलाड़ी। और देखते हैं, और बहुत ही शानदार प्रयास, और फिर जाएंगे राजेश जी मारने के लिए। और अरुण जी ने, और बैक टू बैक लगातार वहां पे मिस्टर अरुण ने, और काफी सपोर्टर हैं, उनको नाराज किया है आज अरुण जी ने, जैसे कि मेरे माननीय बड़े भाई मिस्टर बसंत जी, इनके प्रदर्शन से खुश नहीं है आज अरुण जी। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। और बहुत ही लंबी गेंद, छोटी गेंद करते तो, ओ बहुत ही शानदार प्रयास मिस्टर अभय का। और लाजवाब स्मैश, और एक पॉइंट लिया, वाह लाजवाब चैन, क्या बात है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इस समय 7-8 का स्कोर। और अभय की फ्लोट सर्विस वहां पे काफी प्रभावशाली सर्विस, और बहुत ही बढ़िया, अभय जाएंगे गेंद को मारने के लिए, और शानदार चेक चेक आउट, खूबसूरत अंपायरिंग मिस्टर बड़े भाई विकास रावत। भैया पॉइंट गंगापुर को मिलेगा मिस्टर शुभम जी, ध्यान दीजिए, नहीं तो यहीं पे 100 नंबर वाले हैं, गिरफ्तार करा लिए जाएंगे। और शानदार प्रदर्शन यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। और इसी बीच चलते हुए अभय के पास गेंद, और इसको मैं पहले ही बता दिया हूं कि अगर अभय चल गए तो इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभय वही करते हुए फ्लूट सर्विस लगातार मार रहे हैं के पास, और बहुत ही बढ़िया कवर करके वहां पे मारा है। और इसी के साथ गलती किया यहाँ पे मनीष जी ने, और इसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा। और 9-9 का मुकाबला, शानदार प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है। और चैन, और ना कुछ नहीं, अंपायर का इशारा, गेंद पफनिया के पाले में, एक अंक बढ़ता हुआ 10-9 का स्कोर। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मात्र एक अंकों का लीड है, कुछ नहीं हो सकता। अभय जाएंगे गेंद पे, और हल्के से प्लेस कर दिया, खाली जगह देख के मारने का प्रयास नहीं किया है। और बहुत ही शानदार लगातार अभय खेलते हुए, और बहुत ही गलत तरीके से वहां पे गेंद था, अगर शायद अभय को खिलाते तो निश्चित तौर से एक पॉइंट हो सकता था। टाइम आउट का इशारा, और सभी खिलाड़ी बाहर, गेंद अंपायर के पास पहुंचाया।